आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। बडारी नदी के ऊपर बन रहा पुल और चरण गंगा नदी के ऊपर बन रहा पुल अधूरा क्यों पड़ा है? राहगीरों का सपना ले कहां उड़ गए ठेकेदार। विगत 2 वर्षों से बन रहे निर्माणाधीन बडारी नदी का पुल का कार्य अधूरा पड़ा है, लेकिन निर्माण एजेंसी का कोई पता नहीं है। आखिरकार प्रशासन जन सुविधाओं से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं का जायजा क्यों नहीं ले रही है? हम आपको याद दिला दें कि भटारी नदी में बन रहा पुल किसी परिचय का मोहताज नहीं है। नगर परिषद मानपुर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं पुलिस वाला, और आज हम बात करेंगे ब्योहारी से मानपुर मार्ग की, जहां पर 2 वर्ष पहले ये मार्ग का निर्माण शुरू हो चुका था और 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी मानपुर से जुड़ा हुआ ये भटारी नदी का पुल महज 2 किलोमीटर की दूरी पर और आज ये खंडहर की हालत पे है। यहाँ पर किसी भी दिन दुर्घटनाग्रस्त वाहन हो सकते हैं, यहाँ पर यातायात प्रभावित हो रहा है। और जब ब्योहारी से हम मानपुर तरफ की ओर आते हैं तो मानपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर भटारी नदी का पुल है। सरकार शिवराज सरकार ने यहाँ भेंट किया था कि भटारी नदी का पुल पहले पुराना वाला था, ये खंडहर हो चुका था और यहाँ आए दिन दुर्घटना घट रही थी, पर यहाँ पास आज 2 किलोमीटर की स्थिति में ये भटारी नदी का पुल है और ये आज लगभग 1 वर्ष से ऐसे ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। और यहाँ इस पुल को देखने वाले न प्रशासन है, न ठेकेदार हैं, न प्रबंधन समिति है। और आज हालत ये है कि ये अधूरे पुल से यातायात संचालित है, मतलब सरकार के बिना, प्रशासन के बिना अनुमति के यातायात यहाँ से संचालित है। आप देखिए यहाँ इस जगह पे, आप ये पुल से एकदम निचले स्तर का हिस्सा है जो पूरी तरह से मिट्टी से घिरा हुआ है। और ये किसी दिन भी यहाँ, हम आपको एक चीज़ और बताएंगे, सीधी बस दुर्घटना के बाद मानपुर में परमार ट्रेवल्स की बस पिछले 1 वर्ष पहले यहाँ पास दुर्घटना घटी थी, बस मतलब दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, पूरी बस 2 बार 3 बार पलट चुकी थी। अच्छी बात थी कि यहाँ पास बस में मृत्यु नहीं हुई थी, दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई थी। उसके बाद भी जिम्मेदार हरकत है, यहाँ प्रशासन किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है और ठेकेदार यहाँ किसी भी प्रकार का, ये भटारी नदी में बन रहा पुल ज्यों का त्यों ऐसे अधूरा पड़ा हुआ है। और यहाँ पास आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि मतलब यहाँ से मानपुर से जुड़े हुए लगभग 50 गांव हैं और ये हाईवे है, ब्योहारी से मानपुर मार्ग का ये हाईवे है और ज्यों का त्यों ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये इसका निर्माण भी आप देखेंगे कि निर्माण एजेंसी ने जिसने काम किया है तो ये पतली पतली सरिया और राड का इस्तेमाल किया है। और रेत के लिए भी हम बात करेंगे कि इसी नदी से, भटारी नदी से निकला हुआ रेत का इस्तेमाल किया गया है। और कंक्रीट की आप देखेंगे, अभी पुल का पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ है लेकिन क्षतिग्रस्त हालत में वैसे भी दिख रहा है, क्षतिग्रस्त हालत में। भटारी नदी के इस पुल में प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और इसका अधूरे कार्य को पूरा करना चाहिए, क्योंकि यातायात पूरी तरह से यहाँ प्रभावित हो रही है, वहाँ से आ रही ऑटो वाहन जिसमें सवारी मौजूद है, और इस प्रकार की रोड है, इस प्रकार का पुल है जिसमें से ऑटो वाहन आ रहा है, कभी भी दुर्घटना ग्रस्त हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदारी इसका प्रशासन कौन लेगा, है ना। हम बात करेंगे ऑटो के ड्राइवर से कि क्या कहना चाहेंगे। आइए, या आप यहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप? छपड़ौर से आ रहे हैं, बगलौर से आ रहे हैं। आपके ऑटो में सवारी कितनी होगी? आठ सवारी यहाँ मौजूद है। आप यहाँ कितने दिन से आ रहे हैं? यह मानपुर लगभग 6 माह आ रहे हैं, 6 माह कंटिन्यू आ रहे हैं। ये भटारी नदी का जो पुल है, ये आप कितने दिनों से इसको ऐसी किसी हालत में देख रहे हैं? लगभग 2 साल हो गए। दो वर्षों में ये भटारी नदी का पुल देख रहे हैं, है किसी दिन भी बस मतलब ऑटो का दुर्घटना घट सकता है, यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आप बताइए, 6 माह तो भटारी नदी का जो पुल है, ये प्रशासन किसी प्रकार से ध्यान नहीं दे रहा, अवगत नहीं है, ठेकेदार समिति प्रबंधन ने ध्यान नहीं दिया है और जयप्रकाश आप ये बताइए कि आप यहाँ कितने दिनों से आ रहे हैं? 10 किलोमीटर से आ रहे हैं, है ना। ये भटारी नदी का जो पुल है, आप ऐसे इस तरह से किसी हालत में आप देख रहे हैं? ये ऑटो ड्राइवर ये बोल रहे हैं कि यहाँ दुर्घटना घटती रहती है और यहाँ ये भटारी नदी
नदी का पुल जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए जिससे यातायात प्रभावित न हो और दुर्घटनाग्रस्त वाहन किसी